हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022 इंग्लिश लिटरेचर का। ये पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है हिंदी साहित्य और इसका पूरा नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य। और हम देखते हैं यहाँ पर इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन। सबसे पहले देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। अब जागो जीवन के प्रभात किसकी कविता है। छायावाद का प्रारंभ कब माना जाता है। मुक्ति बोध की दो रचनाओं के नाम लिखिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी जो होता है यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न। और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। मैथिलीशरणी गुप्त के राष्ट्रीयता पर प्रकाश डालिए। श्रद्धा सर्ग का केंद्रीय भाव लिखिए। छायावाद की विशेषता बताइए। असध्याय वीणा का केंद्रीय भाव लिखिए। मुक्तिबोध का जीवन परिचय दीजिए। नागार्जुन की पाठ्यक्रम आधारित कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रयोगवाद की विशेषताएं बताइए। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी जो होता है आपका 8x2 यानी 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। और एक और बात बता देती हूँ यहाँ पर, वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें। और भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी आईडी दी हुई है। आप चाहे तो वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैथिलीशरणी गुप्त के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दीजिए। राम की शक्ति पूजा कविता में निहित कवि की मूल भावना स्पष्ट कीजिए। मुक्ति बोध की काव्यांगत विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अकाल और उसके बाद कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। दिनकर की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो सभी अंक समान, कोई भी दो करनी 5x10। कहा आंगतुंगन ने इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर। अब आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, फर्स्ट हो गई है, सेकंड में नरी नीर भरी दुख को वस्त्र, स्क्रीन पर शो हो गई है। यहाँ पर आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ पर वीडियो जो डाउनलोड कर लें। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।